श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के करने और कराने के नियम जाने और उसके बाद आप लोगों ने जाना ऋषि मुनियों के द्वारा कि किस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। चलिए हम वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए आगे की कथा को शुरू करते हैं। हे महादेव, जो कोई भी आपकी ये कथा शिव महापुराण का श्रवण कर रहा है उसके सारे कष्ट दूर हो और उसके सिर पर आपका आशीर्वाद सदैव रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अध्याय बारह में बताया गया है, सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणो जप, गायत्री जप, दान, नैता, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने कहा सूत जी से, अब आप सीधे ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिसे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदों आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है उस ब्राह्मण की विप्र संध्या होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वैध्यान भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वणिज कर्म करने वाला है और जो कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धन आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है, दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद कहलाता है। जो शूद हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कृषक से भिन्न वर्ती का आश्रय लेने वाले शूद दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वा मुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। जो संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखे, तादांतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे। अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में का कोड़े से फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 परस पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अनंत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतून करना चाहिए उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग ना करें। या दंत शुद्धि का विधान बताया गया है, तादांतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो, अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान, नाग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे, साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्थान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि
जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। दूजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की प्रतृति के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीत मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही परिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस छायाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही हष्टा इत्यादि मंत्र में तीन ऋचाए हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद्र के तीन तीन चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर मस्तक और हृदय में जल छिड़के, दूसरी ऋचा के तीन चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के तीन चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय पैर और मस्तका का जल से प्रोषण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्थान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भव उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्याच मा मनयाच इत्यादि सूर्य नुवाक से तथा शाम काल अग्नियाच मा मनयोच इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोषण करें। मध्यान काल में भी अपना पुनः पुनवरत इस मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करें। तीन बार ऊपर की ओर सूर्य देव अर्ध देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्ध देना चाहिए। फिर शाम काल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्ध दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्यम के समय अंजलि में अर्ध जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्ध दें, फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। शाम काल में सूर्यास्त दो घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है क्योंकि वह शाम में संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्राश्चित रूप में 100,000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि एक मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म का ब्रह्म पढ़ करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रास्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नित्य स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठ कर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणों का जप करने के पश्चात मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणो के आ, ओम और माँ इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणो ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले, ब्रह्मा पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उपासना करते हुए यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी काम इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को, यह वृद्धि व्रतियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणों के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जाप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थार्थ अनुसंधान के बिना भी प्रणों का नित्य जाप करना चाहिए। इसे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1,000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और शाम काल में 28 बार जबकि विधि है। अन्य वर्ग के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथा 7 गायत्री जप करना चाहिए।
शरीर के भीतर मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत आज्ञा और शास्त्रार्थ ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रा तक 6 स्थानों में क्रमशः विघ्नेश्वर ब्रह्मा विष्णु ईश जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक वास के साथ सोहम जाप करें। उन्हीं विघ्नेश्वर आदि की ब्रांड आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महातत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ऐसे शास्त्रों शरीरों एक एक जप का गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। तो दोस्तों आज ये 10-12 अध्याय यहीं पे समाप्त नहीं होता है क्योंकि बहुत लंबा है। तो अगली कथा हम यहीं से दूसरे वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।